हैं, इनको तो ना डूब मरना चाहिए पहली फुर्सत में, क्योंकि जिन पे इतने करप्शन के केसेस है, जो पूरी तरह करप्ट हैं, जिनको लेके पूरी दुनिया में करप्ट के तौर पे वीडियोस चलाई जाती हैं, उसके बावजूद उनको सपोर्ट करके मैं कहूँगी उनकी रखेल नहीं है ये बेगैरत के बच्चे। इस टाइम बिल्कुल दिमाग ख़राब है, इनको चाहिए जाके कहीं डूब मरे। इन्होंने किसके खिलाफ़ फैसला दिया, उसके खिलाफ जो 22 करोड़ आवाम का लीडर है, जो 22 करोड़ आवाम जिस पर भरोसा रखती है। खान हमारी रेड लाइन है, हमने कहा तो उसे क्रॉस मत करना, क्योंकि जो खान को जो हमारी रेड लाइन क्रॉस करेगा अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरा मुल्क आपने बंद करके रख दिया है, आप समझ क्या रखे। ये नवाज शरीफ नहीं है जिसको आप नाअहल करेंगे तो आवाम निकलेगी नहीं, इमरान खान है, आप इसको नाअहल करेंगे ना तो लोग ऐसे ही बाहर निकलेंगे। ये सब कुछ करेंगे खान को -1 करने के लिए, सब कुछ करेंगे, जितना ये घिर सकते हैं, जितना ये झुक सकते हैं ये करेंगे, क्योंकि खान को उन्होंने -1 करना है और उसी पे ये लोग चल रहे हैं। क्योंकि जो ऊपर से हुक्म आते हैं ना उनको ये मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पाँव की जूती चाटने वाले ये लोग हैं। मैं तो उन पर लानत भेजूँगी, मेरा बस नहीं चलता इनको, मैं बेगैरतों को बोलूँ उतरो नीचे, आओ हिम्मत हो तो मौतों का ही मुकाबला कर लो, हमारे भाइयों को तो तुम छोड़ ही दो, ये खान के सिपाही हैं, इनका तुम मुकाबला नहीं कर सकते, हिम्मत हो तो ना उतरो। और सारा इनका गेम यही है, 6 सीटें खान ने जीती, इंशाल्लाह आगे भी इलेक्शन होंगे खान जीतेंगे, इनका यही काम है ताकि खान आगे ना लड़ सके और ना जीत सके, क्योंकि इनको पता है इनको जलालत के अलावा कुछ नहीं मिलना। हम लोग तो जान हथेली पे रख के निकले हैं, और अभी आर या पार हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे मुल्क में रहने से बेहतर है बंदा मर जाए, क्योंकि जैसा ही मुल्क के हालात हैं इससे बेहतर है बंदा मर जाए, लड़ के मरे, अपने हक के लिए लड़ के मरे। धूप में हमारा तो हालत बुरी हो गई, लेकिन हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक खान साहब का कोई पैगाम नहीं आता हम लोगों को। पंजाब की आवाम, कराची की आवाम, खुदारा निकलो, बस हो गई ना, बहुत हो गई। आप लोगों के बच्चे भी गुलामी करते रहेंगे, नवाज़ लोगों की गुलामी आप लोगों ने की, उनके बच्चों की गुलामी आपके बच्चे करेंगे, और हम यहाँ कराची की आवाम ये सारी ज़िंदगी बिलावल के बूट चाटती रहेगी। थोड़ा शर्म करो और निकलो अपने घरों से और आके खान साहब को सपोर्ट करो। अल्लाह की कसम दोबारा खान साहब तुम्हें नहीं मिलेगा, रो रो के कुछ भी करने का दिल नहीं है, सारा दिन रो रो के हम यहाँ वापस आएँ। तो अल्लाह का वास्ता, होश के ना खोलो और घरों से निकलो और खान को सपोर्ट करो।